सो हेलो एवरीवन गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गुड मॉर्निंग महाराष्ट्र स्वागत है आप सभी का एक और जबरदस्त मजेदार इंटरेस्टिंग इंग्लिश लेक्चर में अरे संडे हो या मंडे हम करेंगे पढ़ाई ठीक है तो सभी लोग आ ही गए हैं अभी तो बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं ओके हैप्पी फ्रेंडशिप डे एवरीवन हैप्पी फ्रेंडशिप डे अब बात है अगस्त का महीना आ गया है सारे डे आएंगे चॉकलेट डे हग डे फ्रेंडशिप डे सब आएगा भूलना नहीं एक दिन और आएगा रक्षाबंधन डे उसका इंतजार लड़के नहीं करते बट लड़कियां करती हैं ओके okay. सारे डेज आएंगे हैप्पी फ्रेंडशिप डे एवरी वन यस ऑल डियर यूट्यूब स्टूडेंट्स यूट्यूब फ्रेंड्स हैप्पी फ्रेंडशिप डे चलो आ गए क्या सब आ रहे हैं आ रहे हैं मेरे लाडले आ रहे हैं आज सीखेंगे आगे का कंसेप्ट देखो बच्चों जो भी सिलेबस आया है गवर्नमेंट की तरफ से उस सिलेबस को सीरियल में ले रहा हूं मैं जैसे कि कल हमने लिया था कंपाउंड वर्ड्स वर्ड चेन एंड जो भी कंसेप्ट लिया था टाइप्स ऑफ सेंटेंस एंड ऑल उसके बाद के कुछ टॉपिक्स है जो आज हम करेंगे एक जीरंड है जीरन पार्टिसिपल इंफिनेटिव है फिर पंक्चुएशन है होमोफोन्स है होमोग्राफ्स है तो ये है बड़े छोटे छोटे ग्रामर बट कभी कभी कंफ्यूजिंग होते हैं दोनों का डिफरेंस पता करना बड़ा डिफिकल्ट होता है अरे सर जीरंड और पार्टिसिपल पहचानेंगे कैसे दोनों में ही तो आईएनजी वगैरह होता है। होमोफोन, से होमोग्राफ। सर, क्या है होमोफोन क्या होमोग्राफ सर मैं पहले तो पढ़ा था फिर भूल गया कंफ्यूज हो जाता हूँ कुछ नहीं भाई अपन आ गए हैं टेंशन लेना नहीं नो no कन्फ्यूजन सब दूर हो जाएगा सब कुछ समझ में आएगा ये आपके सिलेबस में सी के स्टार्टिंग के जो छोटे छोटे ग्रामर है ये तो बहुत अच्छे से कराऊंगा ही आगे चल के जो बड़े बड़े ग्रामर है चेंज द वॉइस चेंज द डिग्री डायरेक्ट इन डायरेक्ट स्पीच नो सुनर क्वेश्चन टैग सब कराऊंगा एक एक लेक्चर सबके लिए लूंगा और सब कंप्लीट कराऊंगा बस आप खाली बने रहो रोज साढ़े नौ बजे सुबह कनेक्ट हो जाने का फिक्स टाइम भाई मैंने बोल दिया ना साढ़े नौ बजे सुबह संडे हो या मंडे हम पढ़ेंगे सी ओके okay. तो अभी मैथ्स और इंग्लिश दोनों की तैयारी हम जबरदस्त तरीके से करेंगे तो चलो शुरू करते आपको बता दो इंग्लिश थियरी का ये हमारा आज का लेक्चर नंबर टू है जहां पर हम जीरन पार्टिसिपल इन्फिनेटिव होमोफोन होमोग्राफ्स और पंक्चुएशन सीखेंगे ओके okay. इंग्लिश की थियरी तो सीखेंगे बट एमसीक्यू की भी प्रैक्टिस करेंगे पूरा कंसेप्ट ये लेक्चर किसके लिए इंपॉर्टेंट है जो दसवीं के बाद सीटी दे रहे उसके लिए तो हंड्रेड परसेंट इंपॉर्टेंट है बहुत जरूरी है लेकिन कोई भी जो है फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर टेंथ का बच्चा या इलेवन ट्वेल्थ का बच्चा या कोई पेरेंट्स भी अगर देख रहा है या टीचर देख रहा है उसके लिए भी बहुत जरूरी है भाई इंग्लिश इज यूनिवर्सल लैंग्वेज पूरे देश में पूरे दुनिया में चलता है और इसका नॉलेज सभी को होना चाहिए इंग्लिश टॉकिंग के लिए इंग्लिश स्पीकिंग के लिए लोग कितने पैसे खर्च करते भाई अगर वही चीज़ें यहाँ फ्री में मिल जाए तो क्या बात और ये जो चीज़ें मैं सिखा रहा हूँ ना अगर आप सीख लो आपको लाइफ टाइम काम आएगा जो सी नहीं दे रहे ना वो भी उनको भी सीखना चाहिए चलो आगे बढ़ते हैं शुरू करते हैं जो हमारा पहला टॉपिक है ओके okay, उसके पहले मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं कि आज हमने जैसे मैंने बताया पूरा कंसेप्ट देखेंगे इंग्लिश का जीरन पार्टिसिपल इन्फिनेटिव पंक्चुएशन होमोफोन्स होमोग्राफ और इसके साथ ही दोस्तों मैं हूँ मैं हूँ दिनेश सर सात लाख से भी ज्यादा स्टूडेंट यूट्यूब पर है मेरे तीन चैनल है उनको मिला के सत्रह सालों से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ओके okay, आप भले अभी जुड़े हो ये मेरी डिग्रीज है काफी ज्यादा मैंने डिग्रीज लिया पोस्ट हूं, बीएड हूं, नेट किया है मैंने और दो तो मेरे पास डिप्लोमा है तो आगे बढ़ते हैं और आज के कंसेप्ट को शुरू करते हैं बच्चों पार्टिसिपल इन्फिनिटी सबसे पहले ये तीन टॉपिक आपके सामने हैं ओके okay, आ गए क्या सभी अरे, अरे 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 अभी तो बहुत सारे बच्चे आने बाकी हैं अरे शेयर कर दो लिंक को अमित सर शेयर करो लिंक को बहुत से बच्चे आज संडे मना रहे ओ, एक इंग्लिश में होता है सेंटेंस संडे इज अ हॉलीडे संडे इज हॉलीडे हाँ ना ठीक है संडे इज अ हॉलीडे तो संडे को आप क्या करते हो एंटरटेनमेंट के काम करते हैं ठीक है ना इस लेक्चर को आप यही समझो स्टडी विथ फन एंटरटेनमेंट के साथ होगी आपकी पढ़ाई संडे हॉलीडे है हॉलीडे को हम और बेहतरीन बनाएंगे तो आज आपको मैं जो बताने जा रहा हूँ वो है जीरण पार्टिसिपल और इन्फिनेटिव यहाँ पर आपको देखो दो चीजें हैं एक जीरन, ओके ये दिख रहा है और एक पार्टिसिपल ये दोनों में बहुत कंफ्यूज होते हैं बच्चे ये दोनों में अब बोलोगे क्यों क्योंकि इसमें दोनों में बहुत सारी सिमिलैरिटीज होती है एक जैसा ही होता है गुड मॉर्निंग एवरी वन फ्रेंडशिप डे आप लोग जो बोल रहे हो हैप्पी फ्रेंडशिप डे ओके ठीक है संडे हो या मंडे रोज पढ़ो सर के फंडे अरे क्या डायलॉग बना दिया या क्या बात है थैंक यू संडे हो या मंडे रोज पढ़ो फंडे अरे ठीक है तो अब ये जीरंड और पार्टिसिपल, उसके इन्फिनिटी तो बड़ा आसान होता है कि किस तरह से होता है तो अभी ये वर्बल्स है जीरेंड इन्फिनिटी और पार्टिसिपल ये क्या होता है ये वर्ब से मिलकर बनता है जो क्रियाएं होती है क्रिया क्रिया मतलब एक्शन जो भी आप कोई काम करते हो भाई एकदम एकदम दिमाग में बिठा लो ये नाउन वर्ब ये तो आपको मालूम होगा ना नहीं मालूम है तो भी मैं बार बार बताते जाता हूं। नाउन मतलब जब किसी का भी नाम होता है वो नाउन होता है वो भले प्लेस का नाम हो किसी पर्सन का नाम हो किसी भी चीज का नाम हो वो नाउन होता है संज्ञा या नाम मराठी में बोलते हैं वर्ब मतलब कोई भी एक्शन जो सुबह आप सो के उठते हो वैकअप फिर नहाते हो है ना खाते हो पीते हो दौड़ते हो है ना नाचते हो ये सब एक्शन है इसको वर्ब बोलते हैं याद रखना वर्ब के अलग अलग फॉर्म्स होते हैं थोड़ा सा बेसिक लेने की जरूरत है ये बता देता हूं बेटा वर्ब वर्ब के तीन रूप होते हैं बेटा वर्ब आपको आता भी होगा आप टेंशन मत लो हाँ ये सब रिवीजन थोड़ा सा रिवीजन वर्ब के थ्री फॉर्म्स होते हैं बच्चों जैसे कि आपको है गो वेंट ये सब आपको आता है वापस क्यों बता रहे सर थोड़ा सा एक बार क्लियर कर दू राइट रोड रिटर्न याद है याद है? ओके, इस तरह से पूछा, गड़, गड़, लगा दिया है ना तो ईडी लगा दिया इस तरह से कोई भी वर्ब्स होते हैं बेटा क्रियाएं होती हैं, ओके एक मिनट कोई भी वर्ब होगा ना बेटा उसके तीन रूप होते हैं और बहुत सारे होते हैं आपने बचपन में कितने आपके इंग्लिश टीचर ने बहुत सारा दिया था याद करके मांगते हैं कम केम कम है ना इस तरह से लव्ड लव्ड है ना जो भी करते थे bath, 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 bath. Eat, it, it, at, eaten. याद आ रहा है तो ये सब वर्ब्स होते हैं ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं तो इसको ध्यान रखना मैं अभी बताते रहूंगा ये जो है प्रेजेंट फॉर्म होता है ये पास्ट फॉर्म होता है ओके और ये पास परफेक्ट के जैसा हम इसको ट्रीट कर सकते हैं वर्ब का थर्ड फॉर्म परफेक्ट के जैसा पास नहीं परफेक्ट के जैसा अब जीरण क्या बोलता है ये एक तीनों के बारे में मतलब ये जो है जितने भी वर्ब्स होते हैं उनको मिला के बनते हैं जीरण इन्फिनेटिव और पार्टिसिपल ये हमेशा वर्ब लोग मिलेंगे और उनको पकड़ के हम ये तीनों बना देंगे बट आर नेवर यूज अलोन एज एक्शन वर्ड्स इन सेंटेंस इंस्टिट वर्बल फंक्शन As noun, or adverb, these are in phrases, जो बहुत लाइन्स uh, होती है मुहावरे होते, उसमें ये काफी होते हैं उसमें okay? का काम नहीं करते नाउन तो भी बन सकते हैं कुछ और भी बन सकते हैं मतलब क्या सबसे पहले हम जीरंड की बात करते हैं। तो पर जीरंड, ये क्या होता है आई से एंड होने वाला होता है जीरण क्या होता है जो आई में जैसे की हो कि कमिंग गोइंग ड्रिंकिंग ये जिसमें लास्ट में आईएनजी आता है तो ऐसा आईएनजी आएगा बट आईएनजी तो प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी आता है यहां पर जो भी वर्ड बनेगा वो नाउन की तरह काम करेगा देखो छोटी छोटी मगर मोटी बातें आप बोलोगे सर मुझे तो आता है आई एन जी लगा जीरन हो गया। बट कभी कभी वो जीरण प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है जीरण नहीं होता आई एनजी वाला वर्ड तो वो डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है यहां पर देखो परफेक्ट आंसर निकालना चार में से एक वही है आप जीरण समझोगे होगा प्रेजेंट पार्टिसिपल या प्रेजेंट पार्टिसिपल समझ रहे होगा जीरण गड़बड़ हो जाएगा दोनों में आई इसलिए बोल रहा तो हूँ जी लगा दिया और वो जो शब्द है वो अब नाउन की तरह काम करे नाउन यानी संज्ञा हिंदी में मराठी में नाम किसी का नाम बन गया एक ऐसे नाउन की तरह काम कर रहा है तो उसको हम जीरण बोलेंगे जैसे कि जंपिंग इज जम्पिंग अब जंप मतलब क्या होता है जंप जंप, जंप समझ में आया तो जंप इज एक्शन ये एक्शन है वर्ब है जंप क्या है कूदना ये वर्ब है क्रिया है लेकिन जैसे ही जंप के अंदर हम आईएनजी लगा देते हैं तो जंपिंग ओके तो इससे हुआ क्या जंपिंग एक नाउन बन गया जंपिंग क्या बन गया एक नाउन कि जंपिंग कूदना इज फन कूदने में मजा आता है यहां पर जंपिंग नाउन का काम कर रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे जीरण तो सबसे पहली बात क्या याद रखना जीरण के लिए आपको आईएनजी लगा होगा वर्ब में और जब वर्ब वर्ब है वर्प के अंदर आईएनजी लगा होगा और वो नाउन की जैसा ट्रीटमेंट उसका होगा समझ में आ रहा है की जैसा नहीं होगा। जम्प एक वर्ब था पर था, जैसे ही आईएनजी लगा तो ये नाउन बन गया ओके तो इस तरह से है ओके नेक्स्ट अभी जीरण के कुछ और भी जो बातें हैं बहुत सारी चीजें हैं ओके okay. जैसे कि वर्ड एंडिंग इन आई एन जी ओके एक आईएनजी जी से खत्म होने वाला शब्द जो वर्ब से बना है और नाउन की तरह ट्रीट होता है ये इसका डेफिनेशन है जीरण का जीरण होता क्या है कि जो आईएनजी जी से एंड होता है और एक वर्ब से बना होगा लेकिन नाउन की जैसा ट्रीट होगा याद कर लोगे आईएनजी जी से खत्म होगा एंडिंग विद आय जी वर्ब से बना है बट नाउन के जैसा उसको ट्रीट कर रहे हैं नाउन बन गया वर्ब से बना लेकिन नाउन बन गया नहीं समझे दूध से खीर बनती है दूध था उससे खीर बना तो वैसे ही वर्ब से नाउन बन गया जैसे आईएनजी लगाया दूध से दही बना दूध में थोड़ा सा कुछ खट्टा डाल दोगे ना या नींबू का या कुछ तो थोड़ा सा दही डाल दोगे तो वो पूरा दही बन जाता है वैसे ही वर्ब में आईएनजी डाल दिया तो वो नाउन बन गया तो ये एक कंसेप्ट है जीरण का पथ बहुत ज्यादा मैं आपको नहीं पकाने वाला हूं आप सोच रहे हो कि सर हो गया समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है हम एमसी क्यू करेंगे जीरण के ऊपर ठीक है चलो आगे हम देखेंगे बेटा कि इनफिनिटिव क्या होता है अभी मैं वो पार्टिसिपल भी लूंगा इन्फिनेटिव क्या होता है देखो इन्फिनेटिव में हमेशा क्या होगा जो भी वर्ब होगा बेटा जो भी वर्ब होगा उसके पहले टू लगाते हैं टू टी ओ ये टी ओ वर्ब के साथ लगाते हैं ना एक्शन में टी ओ तो उसको इन्फिनेटिव माना जाता है क्या माना जाता है इन्फिनेटिव इंफिनिटिव इज द बेस फॉर्म ऑफ अ वे विथ टू जब भी आप टू का इस्तेमाल करोगे बच्चों जब भी आप टू का इस्तेमाल करोगे तो वो वर्ब का बेस फॉर्म होता है, के पहले टू करने है। तो के? और यह भी क्या करेगा कि नाउन के जैसा ही ट्रीट करता है जैसे इसके पहले वाले जीरण में था आई एनजी लगा दिया जम्प आई एन जी जम्पिंग तो जंपिंग एक नाउन बन गया वैसे ही जब भी कोई वर्ब है उसके पहले आप अगर टू लगा देते हो तो वो भी एक नाउन की तरह ट्रीट होता है ओके okay. और कभी कभी ये एडजेक्टिव या एडवर्ब यानी विशेषण या क्रिया विशेषण की तरह भी ट्रीट हो सकता है देखो यहां पर टू जंप इज फन यहां पर यहां पर क्या लिखा है देखो टू जंप जंप के पहले टू लिख दिया यानी कि जंप करना एक मनोरंजन है टू जंप तो ये एक नाउन की तरह हो गया इसके पहले हमने लिखा था जंपिंग जम्पिंग इज अ फन यहां पर पहले तो समझ जाना ये क्या है इन्फिनेटिव है बस यही सारी चीजें कुछ बहुत बड़ा ये नहीं है हाथी घोड़ा नहीं है स्टार्टिंग के ये बड़े आसान है मैंने आपको जीरन बता दिया इन्फिनिटी बताया अभी पार्टिसिपल की बात करते

और एक पास्ट होता है याद रखना जब भी प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात करेंगे तो ये जैसा जैसा होगा जीरन जैसा होगा लेकिन थोड़ा रहेगा अब जब भी मैं बोलता हूँ जीरन जैसा होगा इसका मतलब आईएनजी में एंड होगा प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होगा प्रेजेंट पार्टिसिपल यहाँ देख रहे हो प्रेजेंट अभी आपको टेंस वगैरह हो आते होंगे अगर आपको बेसिक ग्रामर नहीं आता तो मेरी एक प्लेलिस्ट है

यहाँ पर यह जरूरी नहीं है कि वो नाउन के जैसा ही ट्रीट करें पार्टिसिपल्स में फंक्शन एज एडजेक्टिव डिस्क्राइबिंग और मॉडिफाइंग नाउन मतलब कि वहां पर क्या था जीरन में कि वो नाउन के जैसा ही काम करता था जीरन में जब भी आई एनजी लगा रहे हो वर्ब में तो वो हमेशा नाउन की जैसे ट्रीट होता है, है। यहां पर क्या है पार्टिसिपल में अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं पार्टिसिपल तो वो जरूरी नहीं कि सिर्फ नाउन ही वो एडजेक्टिव के जैसा भी ट्रीट कर सकता है एडजेक्टिव या डिस्क्राइबिंग वर्ड बन जाता है मॉडिफाइंग नाउन बन जाता है okay, यानी एक तरह का भी 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 बन सकता है, adjective भी बन सकता 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 है, है, है। या किसी चीज़ को describe भी कर सकता है। ये हो गया एक एक ही बात याद रखना कि जब भी present हम करेंगे, तो उसमें में आएगा। एक दूसरा होता है पास्ट पार्टिसिपल पास्ट पार्टिसिपल में क्या होता है यह सब आएगा देखो ओके सेकेंड फॉर्म जैसे बताया ना इी आस्क आता है ईडी आएगा या तो लास्ट में यहां पर देखो दिया है डी आएगा टी आएगा ई एन आएगा एन आएगा वर्ड वर्ब के अंदर यानी उसका रूप बदल गया सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म कुछ हो गया तो उसको हम क्या बोलेंगे पास्ट पार्टिसिपल क्या बोलेंगे बेटा पास्ट पार्टिसिपल अगर सेकेंड फॉर्म हो गया तो पास्ट पार्टिसिपल जैसे कि यहां पर देख लो मैं कुछ बताता हूँ द डांसिंग पैरोट्स दिख रहा है अब डांस तो होता है ना डांस करना उसमें आई एन जी लगा दिया डांस के अंदर आई एन जी लगा दिया अब कैसे पैरोट है, को डिस्क्राइब कर रहा है।, कैसे है? तो डांसिंग पैरोट है।, है समझ में आ रहा है पूरे भीड़ को मजा दिला दिया, तो ये जो डांस में एनजी लगा तो हम बोलेंगे ये से बोले। वर्ब में अगर एनजी लगता है तो प्रेजेंट पार्टी से बोला अगर वो डिस्क्राइबिंग वर्ड है मॉडिफाइंग नाउन है या एडजेक्टिव है किसी की विशेषता बता रहा है जैसे हम ऐसे भी बोल सकते पैरोट है तोता पोपट उसकी विशेषता बता रहा है एडजेक्टिव है कि पैरोट्स कैसे डांसिंग है? है समझ में ओके okay, अभी दूसरा देखो अप ऑन शोर अब यहां पर देखोगे कि आ, आ, जो वर्ब है ये देख सकते हो वर्स्ड ईडी लगा है ईडी लगा है इससे आप समझ सकते हो कि ये पास्ट पार्टी तो दो चीजें याद रखना आईएनजी अगर लगा है आ, एक मिनट अगर आई है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल और अगर ईडी या इस तरह से ईडीड फॉर्म वाला है तो पास्ट पार्टिसिपल बस यही याद रखना है जैसे शी इज थिंकिंग ऑफ द चिल्ड्रेन बस विचार कर रही है बच्चों का विचार कर रही है तो आई आ गया तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है आई आएगा तो प्रेजेंट पार्टिसिपल ओके अब द कॉन्फ्रेंस रूम हैड बिन क्लीन ईडी आ गया वर्ब तो okay, के अंदर तो ये पास्ट पार्टिसिपल है पास्ट ऑफ देखो दो चीजें होती है बेटा पास्ट पार्टिसिपल ओके और ये क्या था ये आईएनजी है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल बस खलास ये उड़च इतना ही इतना ही बेटा आ गया चलो क्वेश्चन करते अब बताओ आंसर लेक्चर वन ऑन ट्रेंडिंग कौन सा कल का ट्वेंटी नाइन पे डन थैंक यू थैंक यू।, यू।, यू अरे अच्छा अरे भाई तुम लोग ये सब क्या कर डाले आ, क्या कर डाले मैं क्या सुन रहा हूँ अरे दादा क्या कर दिया कितने पे बोले सर ट्रेंडिंग ट्वेंटी ओ माई गॉड अरे भाई अरे मेरे भाई तुम लोगों ने कल का इंग्लिश का वीडियो ट्वेंटी नाइन यूट्यूब इंडिया में ट्रेंडिंग पे ला दिया ओ दीदी ओ दादा अरे ये क्या कर दिया यूट्यूब के टॉप फिफ्टी में अपने वीडियो को ला दिया कल के इंग्लिश ग्रामर को अरे क्या कर दिया जस्ट अमित सर ने मुझे बताया वो माई गॉड अरे यार कल का इंग्लिश का लेक्चर यार कल जो तुम बैठे थे ना साढ़े नौ बजे यही टाइम पे आई कॉन्ट बिलीव विश्वास नहीं हो रहा है हैशटेग ट्वेंटी नाइन हैश टेग ट्वेंटी नाइन पे ट्रेंड हो रहे हैं पूरे यूट्यूब इंडिया में और ये लेक्चर है ये कोई इंफॉर्मेटिव या गाइडेंस वीडियो नहीं है एंटरटेनमेंट वीडियो नहीं है परसों का वीडियो जो था पहला लेक्चर हमारा 42 पे चल रहा था और कल का इंग्लिश वाला आज जो है ट्वेंटी बहुत, बहुत, तो तो okay. पहली बार पहली बार ऐसा हो रहा है भाई पिछले दो महीने से ट्रेंडिंग में जा रहे हैं वीडियोज बट कभी सोचा नहीं था कि लेक्चर भी चले जाएंगे दिनेश सर के चैनल जाते थे बट दिनेश सर लाइव स्टडी के चैनल कि दो वीडियो दो दिन से लगातार ट्रेंडिंग में वो भी अपनी इस सीटी वाली सीरीज सोचो आप मेरे लिए कितने इंपॉर्टेंट बन गए हो आप तो मेरी जान बन गए हो आपने यार हमारे चैनल को इतनी ऊंचाई पर मतलब आपने कदम रखा पहले लेक्चर में में वीडियो ट्रेंडिंग में। आपने कदम रखा इंग्लिश के पहले लेक्चर में इंग्लिश वीडियो ट्रेंडिंग में अरे भाई अरे भाई तुम तो अब मेरे दिल में बस गए हो अब तो मैं और भी अच्छे से करूंगा यार आई विल ट्राई माई बेस्ट डोंट वरी यस थैंक्स एवरी वन जो भी आपने किया थैंक्स आप सभी को सब सपोर्ट से ये सब हो रहा है सो विच ऑफ दी फॉलोइंग सेंटेंस इंक्लूड्स कौन से सेंटेंस में इंक्लूड होगा जीरंड. बताओ यहाँ पर आपके सामने बेटा बहुत सारे सेंटेंस दिए हुए इसमें से कौन से सेंटेंस में जिरंड है वो बताना जैसे कायला सेंड एंड जैकल आफ्टर स्कूल यस्टरडे वॉकिंग अ लिटिल एवरी मॉर्निंग कैन बूस्ट योर प्रोडक्टिविटी ड्यूरिंग द डे आई नोटिस शी वॉज ये बहुत सारा क्या एग्जाम्पल एक, एक मिनट हाँ इतना है करना क्या है जीरण जीरण याद है पहला वाला जो बताया था क्या था कि वर्ब के अंदर आई लगाएंगे वर्ब के अंदर आई लगाएंगे यस क्या बोलते हो यस समझ में आ रहा ना सर ओके ओके देखो जीरण क्या है जिसको जो लेट जुड़े उनके लिए कि जो वर्ब है ना बेटा क्रिया होती है उसमें आई प्लस करने का अगर

आईएनजी लगने के बाद वो नाउन के जैसा ट्रीट होना चाहिए संज्ञा यहाँ आईएनजी है शी वाज वेटिंग वेट इंतजार और आईएनजी समझ में आ रहा है तो ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में लगता है ओके या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव बोलते हैं तो वेट में आईएनजी लगा तो वो वेट कर रही है सो ये एक्शन का काम कर रहा है शी इज वेटिंग आएंगे मेरे कारण अर्जुन आएंगे शी इज वेटिंग तो ये वेट कर रही है मतलब वो इंतजार कर रही है सो इट इज स्टिल एक्टिंग एज अ वर्ब समझ में आ रहा है ये अभी भी क्रिया का काम कर रहा है सो so, जीरण में क्या होता है यही फर्क है आई रहने के बाद वो नाउन बनना चाहिए यहां पर जैसे वॉकिंग वॉकिंग मतलब चलना कोई चल नहीं रहा है कोई चल नहीं रहा वॉकिंग मतलब चलना चलना जो है सुबह में चलना आपके प्रोडक्टिविटी को बढ़ा देता है तो चलना एक नाउन हो गया वॉकिंग बट यहां पर वेटिंग मतलब इंतजार कर रही है ओके, okay. बस का ये दोनों में आई लगता है बट ये वाला सर क्यों नहीं ले रहे मैंने बता दिया अभी आगे बढ़ते हैं Can everyone please stop shouting and running around? Okay. अब यहां भी देखो स्टॉप शाउटिंग चिल्लाना बंद करो स्टॉप शाउटिंग मतलब ये भी जैसे वर्ब के जैसे ही ट्रीट हो रहा है शाउट कर रहे हैं ओके okay. तो ये इस तरह से हो गया बेटा चलो थोड़ा तो आपको समझा रहेगा आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर ओके पर इंग्लिश के जब भी आप हो okay. like करो कोई तकलीफ नहीं तू एड्रेस चेंज कर देना नहीं तो स्कूल में जाके चेंज करा तेरे घर पे कोई नहीं आने वाला है खाली सी टी का मार्क्स इंपॉर्टेंट है 200 में से कितना आ रहा है 100 में से सॉरी सौ में से कितना आ रहा है बस वो एड्रेस से कोई ले जिसको भी कुछ चेंज करना नहीं हो रहा है तो स्कूल में जाके करो कल के वीडियो में बताया है यस yes? क्या बोलते हो वेरी नाइस ना ज्यादा जाना चाहिए कल छब्बीसो देख रहे थे सर शेयर नहीं हुआ लगता आप लोग शेयर करो ना बच्चों अपने दोस्तों के ग्रुप में क्यों नहीं भेज रहे हो यस दिस इज गोइंग टू बीश टैग वन सून थैंक यू मिस्टर नो बड़ी यस मेरे दिनेश सर की <laughs> ये क्या आएगी <है> बोला <laughs> क्या क्या बोल रहे हैं चलो 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 देखते हैं आगे अगला क्वेश्चन विच ऑफ दी फॉलोइंग सेंटेंस इंक्लूड जीरन फिर से आ गया बताओ कौन जीरन है इसमें हैज एनीवन बीन मेकिंग एनी प्रोग्रेस इन देयर इंग्लिश यहां पर देखो आईएनजी दिया काइली वाज नोन फॉर रनिंग रनिंग लॉन्ग डिस्टेंस रैपिड स्पीड्स माय एब्सोल्यूट फेवरेट पास्ट टाइम इज स्विमिंग ये एक है आई विल प्रोबेबली बी ईटिंग

सब लोग मिला जुला बोल रहे कोई ए बोल रहा है कोई डी बोल रहा है एज एनी वन बीन मेकिंग एनी मेकिंग यहाँ पर कोई बना रहा है क्या तो ये 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 वर्ब वर्ब ही है 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 भाई ये गया डी बोल रहा आई विल प्रोबेबली बी ईटिंग ईटिंग खा रहा है टैकोज ये भी नहीं है ए और डी गया अभी बोलो ए और डी गया आप जो बोल रहे हो भाई बहुत फास्ट चैट जा रहा है मैं क्या करूं पढ़ भी नहीं पा रहा हूं अरे भाई क्या कर रहे हो स्विमिंग एक्जेक्ट रनिंग और स्विमिंग में कॉम्पिटिशन है स्विमिंग वाला सही होगा क्योंकि माई एबसुलेट फेवरेट पास स्विमिंग स्विमिंग करना मेरा बहुत अच्छा पास टाइम रहा है फेवरेट तो ये स्विमिंग नाउन की जैसे कर रहा है तो ये हो गया इस तरह से क्या कर रहे हो इसी तरह से आएगा बेटा अब यहाँ पर है विच पार्ट ऑफ देंटेंस इज द जीरन इन द फॉलोइंग सेंटेंस कौन सा पार्ट इस सेंटेंस का जीरण जैसा है द टीचर सेंट हिम टू डिटेंशन ऑफ फॉर चीटिंग टीचर ने उसे डिटेंशन के लिए भेज दिया क्योंकि वो चीटिंग कर रहा था चीटिंग किया था उसने तो, तो बताओ इसमें जीरण क्या है जल्दी बताओ जीरण क्या है एवरी पहले तो अपने दोस्तों में लेक्चर को शेयर कर दो यार हमारा टारगेट है कि इस सीरीज में कम से कम पांच बच्चे टॉप व्यू में टच होना चाहिए बताओ बच्चों इसमें जीरंड क्या है तो आपको सबसे पहले पता है जीरंड पहचानने के लिए आप वर्ब में आयन जी कहां पर लेखा है देखो ए बहन जी ढूंढ ले कहा है आयन जी हे बहन जी ढूंढ ले कहा है आयन जी तो यहाँ पूरा देखेगा तो कहां है आयन जी बता यार चीटिंग चीटिंग इज द वर्ड इट इंक्लूड्स आई एन जी चीटिंग चीट मतलब होता है धोखा देना चीटिंग ये धोखा दिया ये नाउन जैसा काम कर रहा है टीचर सेंट हिम टू डिटेंशन सेंट ये वर्ब है टीचर ने उसे भेज दिया डिटेंशन जहां पर सजा दी जाती है फॉर चीटिंग उसने चीटिंग किया था चीटिंग तो है यहाँ पर जीरंड है आगे जाते हैं ओके okay. एक और क्वेश्चन है द ऑफिशियल वेयर प्लानिंग पहचानो क्या होगा अभी देखो पहचानो क्या होगा एक आ, पहचानो द ऑफिशियल वेयर प्लानिंग डैश द मीटिंग बट द इन्वेस्टर्स वे आर नॉट विलिंग अभी ये दोनों ब्रैकेट में क्या आएगा यहां पर थोड़ा सा क्वेश्चन कुछ और टॉपिक का आ गया इन्फिनिटी वगैरह का आ गया लेकिन चलेगा द ऑफिशियल्स वेयर प्लानिंग क्या आएगा बेटा ऑफिशियल्स वेयर प्लानिंग टू पोस्टपोन आएगा टू पोस्टपोन टू पोस्टपोन समझ रहे हो टू पोस्टपोन आ सकता है इधर भी है

यही आएगा ओके okay. पहला ही आएगा ओके ए ऑप्शन आएगा देखो ऐसा भी आता ये इन्फिनिटी है ये वाला क्वेश्चन है है टू टू टी सीखा ना आपको तो इस तरह से ये सब आप मैच करके देख सकते हो कोई नहीं रहा उसमें अगला क्वेश्चन नंबर फाइव देखो अभी जरा ध्यान से जीरन पार्टिसिपल और इन्फिनेटिव के मिक्स क्वेश्चन आ रहे हैं ही प्रोटेस्टेड व्हेन ही वाज आस्क्ड डैश डिज प्लास्टर कास्ट फॉर सिक्योरिटी चेकिंग उसके हाथ में प्लास्टर लगा था उसको बोला गया कि भाई तेरा प्लास्टर निकालना पड़ेगा सिक्योरिटी चेक के लिए तो उसने बोला नहीं मैं नहीं निकालने दूंगा प्लास्टर सो ही प्रोटेस्टेड व्हेन ही वाज़ आस्क्ड क्या आएगा ओपनिंग ओपन टू ओपन टू ओपन क्या आएगा बेटा जल्दी बताओ जल्दी बताओ ही प्रोटेस्टेड व्हेन ही वॉज आएगा ए बी सी डी में से बताओ क्या आएगा ए थोड़ी आएगा

प्रॉम नाइट होता है ना एक पब बिप में जाते पार्टी करते तो अलीशा वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग उसे उम्मीद नहीं थी कि उसे पूछा जाएगा प्रॉम नाइट में जाने के लिए तो क्या था अलीशा वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग आस्किंग ऑलरेडी आई एनजी है तो वापस से आस्किंग दो दो आई एन जी वर्ड एक साथ थोड़ी आएगा ओके अलीशा वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग टू आस्क टू बी आस्क

क्वेश्चन है आगे बढ़ते हैं और भी कुछ क्वेश्चन है टॉपिक बहुत है भाई होमोफोन्स होमोग्राफ पंचुएशन अभी बाकी है अपना देखो भाई जल्दी जल्दी करो ऐसे क्वेश्चन तो आएंगे आप पगला जाओगे ही वंस अबाउट डैश इन अ हंटिंग ट्रिप शिकार करने वाले ट्रिप में गए थे तो उसने एक बार बताया था किसके बारे में बताया था किसके बारे में बताया था ही ट्रिप ही अबाउट

तो भाई एकदम हाई लेवल के क्वेश्चंस मैंने उठाए ताकि आपको पता चल जाए किस तरह के क्वेश्चन आते हैं अब खत्म होने जा रहा है आगे का पार्टिसिपल देखेंगे आई डोंट माइंड विथ अ गिफ्ट एवरी नाउ एंड देन बताओ यहाँ क्या आएगा फिल इन द ब्लैंक आई डोंट माइंड सरप्राइजिंग बींग सरप्राइज टू सरप्राइज टू बी सरप्राइज आई डोंट माइंड यस क्या आएगा बी आएगा वेरी गुड वेरी गुड I don't mind being surprised. ठीक है? तो यह सब प्रैक्टिस से होगा मैं आपको पी डी एफ देने वाला हूं कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आई रिमेंबर मुझे याद है शनि टेम्पल लास्ट वीक पिछले हफ्ते शनि टेम्पल को क्या किया था बेटा शनि शनि भगवान को क्या किया था विजिट किया था टू विजिट विजिटिंग विजिटेड आई रिमेंबर तो ये मुझे बताना है टू विजिट आएगा ओके इंफिनिटी आई रिमेंबर टू विजिट मुझे शनि टेम्पल लास्ट वीक में याद करना याद है आई रिमेम्बर ओके यस चलो ये हो गया अभी इससे मैं आपको बताना चाहता हूँ शनि भगवान से एक बार क्या हो गया लपड़ा हो गया नारद मुनि के बारे में तो आपको मालूम है नारद मुनि नारद मुनि मालूम है अगर तुमने देखा होगा कृष्ण भगवान और सब देवता लो की कहानी तो वो सबकी जाके ना मतलब बोलते ना कि लाल करते थे चापलूसी करते थे आगे बता रहा हूँ पंक्चुएशन आ रहा है उसके पहले थोड़ा सा एक शनि मंदिर की बात आई तो एक बार शनि भगवान के पास गए बोले बहुत अच्छे हो तुम यू आर ग्रेट एंड ऑल एन ऑल एक बार लक्ष्मी देवी के पास गए बोले आप तो बहुत अच्छी हो ब्यूटीफुल हो और एक दिन शनि भगवान और लक्ष्मी देवी मिल गए नारद मुनि हमें बहुत अच्छा कह रहे थे बोले क्या बात है मुझे भी तो बहुत अच्छा कर दे मुझे भी तो अच्छा कर दे तो हम दोनों में बेस्ट कौन है अब ये लड़ाई हो गई शनि भगवान और लक्ष्मी देवी समझ रहे हो क्या कि हम दोनों में से अच्छा कौन है एक काम करो बुलाओ नारद मुनि इधर आओ अगर आपने भगवान की कहानी सुनी होगी तो नारद मुनि गया ये दोनों ने साथ साथ में बुलाया? में क्यों क्यों बुलाया बुलाया बोले भाई तू तो मेरे पास आया था बोला मैं अच्छा हूं इनके पास गया बोला ये अच्छे तू अभी साथ में बता हम दोनों साथ में बता कौन सबसे अच्छा अब नारद मुनि फस गया नारद मुनि फंस गया मैं क्या करूं किसको अच्छा बताऊं अगर बोल दूंगा शनि भगवान अच्छे तो लक्ष्मी माता नाराज हो जाएगी अगर बोल दूंगा लक्ष्मी माता बहुत अच्छी तो शनि भगवान का प्रकोप लग जाएगा अब मैं क्या करूं उसने एक दिमाग चलाया देखो हमेशा किसी भी सिचुएशन में माइंड चलाना बहुत जरूरी है उसने दोनों को बोला कि आप थोड़े से दूर जाइए और दोनों एक साथ चल के आइए तो ये लोग बराबर दोनों जन रैम्प वॉक करते हुए आ रहे हैं वाह और वापस क्या किया जब वो लोग आ गए बोले आप उल्टा घूम के पीछे वापस जाइए तो ये लोग वापस जा रहे हैं बोले बता कौन अच्छा है तू ये सब हमसे क्या करवा रहा है बोले नहीं, नहीं नहीं एक बार एक पता नहीं चला एक बार वापस वापस से उनको बोला चल के आओ और वापस चल के जाओ अब ये लोग ऐसे किए बोले मजाक चल रहा है क्या बोले नहीं अब मैं बताता हूँ लक्ष्मी माता लक्ष्मी देवी यानी पैसे की देवी होती है ना रुपया तो जब भी लक्ष्मी देवी आ रही है तो आते हुए बड़ी अच्छी दिख रही है लेकिन जाते हुए अच्छी नहीं दिख रही है और जो शनि भगवान है वो जब आ रहे हैं तो अच्छे नहीं दिख रहे किसी की जिंदगी में शनि लगा तो अच्छा नहीं रहता लेकिन जब जा रहे हैं तो अच्छे दिख रहे हैं। तो भाई ये भी बज गया उन दोनों को भी खुश कर दिया कि ठीक है भाई तुम लोग एक टाइम पे अच्छे लग रहे हो लक्ष्मी आते हुए अच्छी दिख रही है और शनि जाते हुए अच्छी दिख रहे, अच्छी दिख रहे तो इससे क्या सीखने मिलता है कि अपने लाइफ में कभी भी माइंड यूज कर रहा है किसी भी कंडीशन में ओके okay, बहुत सारे क्वेश्चन ये मैंने ले लिए अगला टॉपिक अभी लेना है ओके okay, ये सब मैं तुमको होमवर्क में दे दूंगा चलो पंक्चुएशन पे आते बेटा पंक्चुएशन बहुत ज्यादा क्वेश्चन है हमारे पास बहुत ढूंढा है कल बहुत मेहनत की है अमित सर ने और मैंने मिल जो है बहुत तैयारी की है इसकी आपके लिए कहाँ कहाँ से क्योंकि जो बुक्स आई है ना टारगेट और नवनी वगैरह उतना डिटेल में नहीं दिया है कि आपको उसमें सब समझ में आए तो ये हमने पूरा का पूरा वो कंटेंट डेवलप किया टाइप किया बनाया ताकि इन बच्चों को अच्छे से लेक्चर दे सके ठीक है अब पंक्चुएशन मतलब तो आपको मालूम ही है हमेशा इंग्लिश में आता था फुल स्टॉप कॉमा एक्सप्लामेटरी मार्क क्वेश्चन मार्क

फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल लेटर से बी डी लिखना है ऐसे स्मॉल लेटर नहीं लिखना है बी डी ओके फुल स्टॉप वगैरह जो है बराबर लगाना है ओके okay. जैसे एग्जाम्पल यहाँ देखोगे वी वेंट टू फ्रांस लास्ट समर तो यहाँ पर जो पहला वर्ड है वी वो कैपिटल रखा हुआ है फुल स्टॉप के बाद पहला वर्ड जो है कैपिटल है लास्ट में फुल स्टॉप फुल स्टॉप लगाया है पहला वर्ड कैपिटल है दिख रहा है तो इस तरह से आपको याद रखना है बेसिक तो यही है कि कोई भी जब वाक्य या सेंटेंस शुरू करते हैं उसका पहला अक्षर पहला लेटर जो है वो कैपिटल होना चाहिए पहले वर्ड का पहला कोई नाम वगैरह है तो उसका भी पहला लेटर कैपिटल होगा लास्ट में फुल स्टॉप क्वेश्चन मार्क मार्क जो भी मार्कामेटरीबल है वो लगाना चाहिए कहीं पर सिमिलर वर्ड है तो उसके बीच में कॉमा लगाना चाहिए कभी डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच आता है तो इनवर्टेड याद है ना उस तरह से लगाना चाहिए सब क्वेश्चन मार्क और एक्सप्लामेटरी मार्क एज पर सुटेबल पोजीशन जैसे कि यहां पर है डब्ल्यू एच क्वेश्चन है क्यों मिस्टेक्स करते हैं? अब यहां पर देख के आपको पता चला यहाँ पर कोई मार्क्स नहीं था तो आपने क्वेश्चन मार्क लगा दिया ये क्वेश्चन बोल रहा है यू आर एक एक है उसके बोलने का अंदाज क्वेश्चन वाले क्वेश्चन मार्क दैट्स राइट स्टॉप तो ये कुछ कन्वर्सेशन दे सकता है कुछ भी देगा आपको बोलेगा पंक्शन अभी क्वेश्चन कैसे आएगा वो भी मैं लेता हूँ आपको कुछ ये होता है कि कॉमर्स लगाते हैं जब सिमिलर वर्ड होता है जब किसी के बारे में बोलते हैं जैसे कि इट्स इंपॉर्टेंट टू राइट इन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हम लिखते हैं वो क्लियर हो सिंपल हो एक्यूरेट वर्ड्स हो यानी हमने जो लिखने के लिए कुछ बोली बातें कि लिखना है तो कैसे लिखना है वो लिखा हुआ कैसा होना चाहिए क्लियर तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो लिखना है उसको तीनों वर्ड के बीच में कॉमा देते जाऊँगा उनको सेपरेट करूंगा और ये तीनों वर्ड लिखने के लिए आए तो ऐसे जब कोई वर्ड्स होते हैं किसी एक चीज को रिप्रेजेंट या डिस्क्राइब कर रहे हैं तो उसके बीच में कॉमा देना चाहिए समझ में आ रहा है जैसे कि दे वेयर अब उनके बारे में बता रहा है वो लोग मोर फ्रेंडली थे और क्या थे मोर टॉकेटिव थे और क्या थे मोर ओपन थे तो ये उनकी बात कर रहे हैं और उनके बारे में तीन बातें बताई तो तीनों के बीच में कॉमन कॉमन लगा दिया ठीक है जैसे कि दे ट्रेवल्ड वो लोग घूमे कहाँ घूमे बल्गेरिया स्लोवेकिया स्लोवेकिया फिर सेज, ओके सेज तो एंड तो यहां पर हमने क्या किया कॉमा कॉमा लगा और लास्ट में जो दो होते हैं उनके बीच में एंड आता था ये तो दिया रहेगा ये कॉमा को याद रखना तो ये पंक्चुएशन है बस यही याद रखना है अभी कुछ कॉलोन से सेमी कॉलोन होते हैं इस तरह से होता है ये कॉलोन बोलते हैं बेटा दो बिंदु रहता ना विसर्ग भी बोलते हैं हिंदी में और सेमी कॉलोन मतलब ऊपर वाला बिंदु रहेगा नीचे वाला जो कॉमा की तरह रहेगा इसको सेमी कॉलोन बोलते हैं ओके इसको सेमी कॉलोन बोलते हैं ये कॉलोन होता है इसका कब काम होता है आपको पता होना चाहिए देखो फुल स्टॉप वगैरह तो आपको मालूम था कैपिटल लेटर वगैरह सब मालूम था ठीक है अब देखो मैथ्स की क्लास कल होगी बेटा कल मैथ्स है ओके कल मैथ्स है एकदम अच्छे से ध्यान से देखो भाई कुछ, कुछ कुछ किसी किसी को लग रहा है कि यार ये कितना सारा सर बता रहे भाई देख देख लो एक बार लोगे दिमाग में फिट हो गया आगे तक काम आएगा दो साल तीन साल लाइफ टाइम तक तो जब भी आप है ना कोलोन लिस्ट बनाते हो जब भी कोई लिस्ट इंट्रोड्यूस करते हो बेटा जब चीजों की लिस्ट आती है तब हम लोग ये यूज करते हैं जैसे कि

तो ऐसे में देखो अभी मैंने मैक्सिमम बता दिया पंक्चुएशन में क्या क्या यूज़ कर सकते हैं कुछ है यहाँ पर बेसिक जो आप इसका स्क्रीन ले सकते हो क्या है देखो यहाँ पर अगर आप फुल स्टॉप बोले तो ये फुल स्टॉप होता है ये कॉमा ये क्वेश्चन मार्क ये एक्सप्लामेटरी मार्क ये कॉलोन सेमी कॉलोन डबल इन्वर्टेड कॉमा सिंगल इन्वर्टेड कॉमा और यहाँ पर कुछ मैथमेटिकल चीज़ें भी हैं तो ये जरूरत नहीं है बस ये इतना जरूरत है ठीक है ये जो मैंने बताया है ये सारे सिम्बॉल्स स्क्रीनशॉट ले लो वैसे भी मैं पीडीएफ देने वाला आपको कल मैंने दिया ही था कल का ठीक है अब जरा देखो और बताओ कि कौन सा सही है भाई लेक्चर जो है लेक्चर अभी चलेगा होमोफोन्स और होमोग्राफ बाकी है सीखने के लिए सीखो आज मैं एकदम कोशिश कर रहा हूं ज्यादा कंसेप्ट लेना है आपके लिए ओके देखो चूज द करेक्ट स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट चुनो क्या है देखो बेटा इधर डॉक्टर मेरी आंटी जो मुंबई में रहती है डॉक्टर है माई आंट इन मुंबई इज अटर माई आंट इन मुंबई अरे सब तो एक ही है सब एक ही है चारों। ऐसा ही क्वेश्चन आएगा आप कंफ्यूज हो जाओगे और आदित्य बोलता है एम एस सिटी डेट डिक्लेयर अब अमित सर चेक करो एमएसटी सिटी डेट डिक्लेयर हो गया क्या कल पी हमने दिया था अमित सर बेटा जिनको पीडीएफ नहीं मिला ना कल का वो सक्सेस बेस्ट टेलीग्राम ग्रुप है उसमें ज्वाइन हो जा। लिंक देखो में, लिंक के जैसे आप पहचानो कि सही कौन है माई आंट हु तो यहाँ कॉमा गलत लगाया ये भी कॉमा गलत लगा है माई आंट हु तो कॉमा लगाने की जरूरत नहीं ओके माई आंट लिव्स इन मुंबई अब ये मुंबई के बाद डॉक्टर ये भी कॉमा सही नहीं है ओके, माय आंट ओके तो ये यही पहला ही सही है पहला ही सही है यहाँ पर ठीक है इस तरह से छोटा छोटा जो होगा उसका ध्यान रखना सब एक जैसा ही दिखेगा आपको सब एक जैसा ही दिखेगा जैसे कि देखो यहाँ पर करेक्ट कौन सा है आई मेट अ ब्यूटीफुल यूरोपियन वोमेन ओके आई मेट अ ब्यूटीफुल यूरोपियन वोमेन ओके आई मेट अ ब्यूटीफुल यूरोपियन कॉमा वोमेन तो ये यूरोपियन के बाद कॉमा क्यों दे दिया आई मेट अ ब्यूटीफुल यूरोपियन वोमेन ये भी गलत है अब ए और बी में से पहचानो तो चलो बोलो चैट में क्या लगेगा कॉमा ये लगा है आई मेट अ ब्यूटीफुल यूरोपियन वोमेन है इस को डिस्क्राइब कर रहा ये कैसी है है ये कैसी यूरोपियन वोमेन आई मेट अ ब्यूटीफुल अब ब्यूटीफुल और यूरोपियन दो अलग अलग वर्ड नहीं है आप अलग अलग वर्ड मतलब कि सेम कैटेगरी में दो अलग चीज नहीं दी यूरोपियन वोमेन अलग है वोमेन को डिस्क्राइब कर रहा है यूरोपियन वोमेन अब ये 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 कैसी थी थी समझ समझ में आ आ आ आ रहा 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 है 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 तो 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 इसका हो हो गया ये नहीं होना चाहिए क्या इस तरह से से भाई छोटी-छोटी बातों से आपकी गलती हो सकती है। okay. एक और देख लेते चूज द करेक्ट सेंटेंस सही वाक्य पहचानो माई सिस्टर मिस्ट्रीज माई ब्रदर लाइक्स कॉमिक्स माई सिस्टर मिस्ट्रीज अब यहां पर सेम है खाली यहां पर ये यह सेमी कॉलन दिया है यहाँ पर कॉमा दिया है माय सिस्टर मिस्ट्रीज माय ब्रदर लाइक्स कॉमिक्स माय सिस्टर मिस्ट्रीज ये क्या आएगा बोलो इसमें क्या आएगा माय ब्रदर लाइक्स कॉमिक्स ये जो है ये ये लिस्ट बनाने के लिए यूज होता था ये या ये जो है मेनली ये दोनों लिस्ट बनाने के लिए यूज होते थे उसके बाद कुछ चीजों के लिस्ट होंगे तब यूज करते थे यहां पर ये दोनों नहीं आएंगे अब बी और सी में से बताना बी और सी में से भाई ये लिस्ट के लिए यूज होता था ठीक है ये दोनों जो है जब भी लिस्ट बनाते तब यूज होता है अब बी और सी में से बताओ माई सिस्टर मिस्ट्रीज माई कॉमा माई ब्रदर लाइक कॉमिक्स ओके क्या लग रहा है ये बी वाला सही रहेगा वेरी गुड सही बोल रहे हो क्योंकि ये माई सिस्टर मिस्ट्रीज एक चीज है और ये सिमिलर चीज है तो दोनों को अलग करने के लिए कॉमा दे दिया तो भाई ये पंक्चुएशन हो गया और बहुत सारे एग्जाम्पल्स है मेरे पास ये मैं आपको अभी पीडीएफ दे दूंगा आप उसमें से तैयार करना अभी हम लोग आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है होमोफोन्स एंड होमोग्राफ बहुत इम्पोर्टेंट एकदम ध्यान से देखो होमोफोन्स एंड होमोग्राफ भाई धीरे धीरे बड़े बड़े ग्रामर भी आएंगे मैं एकदम इंडेक्स वाइज चल रहा हूँ जो भी सिलेबस जो है रिलीज हुआ है शुरू से सब ले रहा हूँ कंपाउंड वर्ड्स वर्ड चेन टाइप्स ऑफ सेंटेंस हो गया जीरण पार्टिसिपल इन्फिनिटी हो गया पंक्चुएशन हो गया होमोफोन्स एंड होमोग्राफ आज हो जाएगा फिर नेक्स्ट लेक्चर में इसके बाद के जो टॉपिक है है लाइन से से सब लूंगा आपका पूरा कोर्स ये अच्छे खत्म होगा क्या होता देखो एंड होमोग्राफ पहले तो मैं ऊपर ऊपर आपको अच्छे से समझा देता हूं ये दोनों चीज क्या है होमोफोन्स एंड होमोग्राफ ये एक ऐसी दो वर्ड होते हैं कितने वर्ड होंगे दो वर्ड होंगे दो वर्ड अब होमोफोन्स और होमोग्राफ पहले होमोग्राफ देखो होमोग्राफ ऐसे दो वर्ड होंगे दोनों जुड़वा के सलमान खान होंगे समझ आ रहा है दोनों एकदम एक दूसरे एक के जैसे दिखते हुए सेम रहेंगे दोनों की स्पेलिंग भी सेम रहेगी दोनों दिखने में भी सेम रहेंगे स्पेलिंग भी सेम प्रोनंसिएशन भी सेम रहेगा लेकिन दोनों की मीनिंग अलग रहेगी दोनों, दोनों की क्या होगी बेटा मीनिंग अलग रहेगी समझ में आ गया यस बैटरी चेंज कर रहे समझ में आ रहा है लेकिन देखो जुड़वा पिक्चर में वरुण धवन या सलमान जो भी आपने देखा दोनों के कैरेक्टर में बड़ा फर्क था एक था था ओके एक जो बॉडी बिल्डर था तो दोनों के कैरेक्टर बिल्कुल अलग थे बट दिखने में सेम थे तो वैसे जो दो वर्ड होंगे उनको होमोग्राफ बोलते हैं होमोफोन्स क्या होता है इनका होमोफोन्स फोन्स मतलब सुनाई देता है उनको जब पढ़ोगे ना तो एक ही जैसा आएगा उसका प्रोनाउंसिएशन एक ही जैसा आएगा उच्चारण एक जैसा आएगा लेकिन दोनों अलग रहते हैं ठीक है बैटरी चेंज करो सर बताता हूँ आगे सब लोग देखो मैं एग्जाम्पल देता आपको बस हो गया लेक्चर खत्म होने जा रहा है कुछ बड़ा नहीं है हाथी घोड़ा नहीं है हाथी घोड़ा नहीं है काफी इजी चीज है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ एकदम सिंपल तरीके से बताऊंगा भाई मेरे ध्यान ले मजेदार तरीके से बता रहा हूं एकदम ध्यान लो बेटा बैटरी हमने कर दिया चेंज ओके थोड़े देर के लिए अभी आपका स्क्रीन ब्लैक हुआ था अब स्क्रीन पे देखो क्या दिखाई दे रहा है बच्चों ओके okay, चाय मंगा लो सब यहां पर आपको हमेशा दो वर्ड्स मिलेंगे कितने वर्ड्स मिलेंगे बेटा दो वर्ड्स मिलेंगे जैसे यहां पर है सेल और सेल 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 पढ़ने में और सुनने में सेम लग रहा है सेल सेल ये सेल मतलब लूटो सस्ते में सामान बिक रहा है ये सेल मतलब समुद्र के अंदर बोट चलाते सेल करते नौका नयन दोनों का मीनिंग तो अलग हो गया स्पेलिंग भी अलग है स्पेलिंग भी अलग है दोनों का मीनिंग भी अलग है सिर्फ सुनने में एक जैसे दिखाई देते okay, दोनों का यूज अलग होता है मीनिंग समझ में आ रहा है अभी देखो यहाँ पर फ्लावर फ्लर फ्लोर 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 ऐसा मतलब दोनों ऐसे दो वर्ड है एक फूल होता है और एक आटा होता है बट दोनों का जो प्रोनाउंसिएशन है वो सेम है आई 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 या आई मतलब मैं या आई मतलब आख 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 समझ आ रहा है आई तो ये दोनों को पढ़ोगे सेम आई आई प्रोनाउंसिएशन सेम है जब बोल रहे हो तो वो उसका बोलने का उच्चारण सेम है बट दोनों की मीनिंग अलग है इसको बोलते हैं होमो क्या बोलते बेटा होमोफोन्स होमोफोन्स इस तरह से बोलते हैं ये रहा देखो होमो डिफरेंट स्पेलिंग सेम प्रउंसिएशन डिफरेंट स्पेलिंग सेम प्रोनाउंसिएशन समझ में नाइट रात हो गई नाइट अरे घोड़ा दोनों नाइट है साइलेंट होता है तो दोनों की स्पेलिंग अलग है बट उसका उच्चारण सेम है मसल मसल ये मसल मतलब आ, आ, और ये मसल मतलब एक आ, एनिमल होता है ना वाटर में पाया जाने वाला एनिमल हियर इधर हियर सुनो तो दोनों की मीनिंग अलग है स्पेलिंग अलग है लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन सेम है हियर हियर तो ऐसा जब भी होगा उसको क्या बोलेंगे बेटा होमोफोन्स बस ये टॉपिक हो गया तो सर इस पर क्वेश्चन कैसा आएगा अभी बताऊंगा ये होमोफोन्स होगा इसको याद रखो इसके ऊपर क्वेश्चन कैसा आएगा अभी बताऊंगा होमोफोन्स के अंदर ये देखो ये भी है मेल मेल ये मेल मतलब लड़का पुरुष ये मेल मतलब ईमेल चिट्ठी पियर पियर है ना डो डो डोव डो, डो. होल होल ये होल मतलब क्या होता है पूरा ये होल मतलब छेद है ना एट आठ एट. आठ होता है आट. ये एट मतलब खा लिया रूट रूट ये रूट मतलब रास्ता ये रूट मतलब जड़ स्टील स्टील का बर्तन होता है स्टील चुरा लेना चोर डियर हिरन होता है डियर ओ माय डियर प्यारे तो ऐसे इन सभी को क्या बोलते हैं बेटा होमोफोन्स तो समझ में आ गया बहुत इजी है समझना है एकदम इजी तरीके से कोई बात नहीं होमोफोन बहुत सारे सारी लिस्ट में दे देता हूं सारी लिस्ट में दे, दे देता हूं ओके सी 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 मतलब देखना ये सी मतलब समंदर बाय खरीदो बाय 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 द्वारा सब बाय है बट सबका प्रोनाउंसिएशन सेम है ओके मीनिंग अलग है <coughs> चलो अभी होमोग्राफ पे आ जाते होमोग्राफ मैंने क्या बताया था होमोग्राफ होमोग्राफ मतलब कि इनकी स्पेलिंग भी सेम रहेगी स्पेलिंग भी सेम रहेगी बट दोनों का मीनिंग अलग रहेगा जैसे कि ये बा। 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 मतलब आप लोग वेटर लोग का ये देखते हैं ना यहाँ छोटा सा टाई होता है ऐसा छोटा वेटर लोग रहते हैं ना होटल में जैसे यहाँ पर देखो दिया दियान है आई आई टू टू क्वीन क्वीन है ना राजा के दरबार में ब करते हैं ऐसे किसी को ओके ये हो गया दूसरा देखो स स मतलब होता है आरी कटारी आरी ये स मतलब देखा सी का पास्ट फॉर्म देखा दोनों की स्पेलिंग देखो सेम है स्पेलिंग सेम है बट मीनिंग अलग है समझ रहे हो बेटा समझ रहे हो ये होता है होमोग्राफ क्या होता है बेटा होमोग्राफ 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 मतलब होमो मतलब क्या रहेगा रहे स्पेलिंग सेम रहेगा स्पेलिंग सेम रहेगा मीनिंग जैसे बॉ मैंने बताया था ना ये बॉ इस तरह से टाई लगाते छोटा सा वेटर लगा था ओके टीयर मतलब देखो टीयर दोनों सेम है एक टीयर का मतलब होता है फाड़ देना एक टीयर का मतलब होता है आंसू ना स्केल एक स्केल का होता है मापने का यंत्र एक स्केल मतलब होता है चढ़ाई चढ़ना समझ रहे में है, तो इसको रो बोलेंगे। इस तरह से मतलब होमोग्राफ का मतलब क्या है? समझ जाओ सीधा जल्द और एग्जांपल दे रहा हूँ रिंग द रिंग वांट्स और ये रिंग फोन की घंटी बजी दोनों रिंग है दोनों रिंग है दोनों रिंग है बट ये रिंग मतलब अंगूठी ये रिंग मतलब ट्रिंग, ट्रिंग गई ये बैंक बैंक मतलब जहां पैसा जमा करते हैं ये भी बैंक है जहां पर नदी का किनारा है किनारों को बैंक बोलते हैं राइट राइट मतलब उस तरह दाई दिशा में जाओ दाया राइट राइट मतलब सही भी होता है माय आंसर वाज राइट तो दोनों की स्पेलिंग सेम है दिख रहा है बट मतलब अलग है ग्लास जिसमें पीते हो क्या अरे दूध पीते हो और क्या ग्लास जो पहनते हो चश्मा दोनों ग्लास है तो ये होते हैं होमोग्राफ समझ में आ गए होमोग्राफ जैसे कि अभी मैंने बताया था रिंग ही गिफ्टेड मी अ रिंग उसने मुझे रिंग गिफ्ट दिया प्लीज सीट ऑन द फ्लोर इन अ रिंग रिंग के रूप में बैठ जाओ तो सभी लोग रिंग बना के ऐसे बैठ गए ओके स्टॉक्स पोलिस पोलिस चोर के ऊपर नजर रखे हुए है और शीप द ग्रास स्टॉक यानी घास का जो दंडी होता है उसको स्टॉक बोलते हैं ओके फ्रॉम द ग्राउंड तो यहां पर दोनों की एक ही वर्ड दो जगह पे दो अलग अलग काम कर रहा है सेम वर्ड तो इसको हम बोलते हैं होमोग्राफ तो दो ही चीजें होती है होमोफोन्स एक होमोग्राफ होमोफोन्स वो होते हैं जिनकी दोनों की प्रोनाउंसिएशन फोन से याद रखो फोन यानी सुनाई देता है उन दोनों को जब पढ़ोगे तो एक जैसा ही सुनाई देगा बट दोनों की स्पेलिंग अलग रहेगी मीनिंग अलग रहेगी होमोग्राफ मतलब दोनों वर्ड सेम होते हैं लेकिन दोनों की मीनिंग अलग होती है दो अलग जगह पे बस इतना ही है उड़ा अच्छा तुम नहीं है ओके ओके चलो आप पूरे जाऊया पूरे जाऊया मुला ये देखो जैसे कि पाम पाम मतलब हथेली ये पाम मतलब ये पेड़ भी होता है बरोबर फाइन जुर्माना लगता है मास्क नहीं पहना पकड़ इसको ले दो रुपया फाइन फाइन मतलब कैसे हो आई एम वेरी फाइन मैं बहुत अच्छा हूं समझ रहे हो ये सब होमोग्राफ्स है चलो अभी यहां पर अभी आपको पूछा जाए एक क्वेश्चन है कि बताओ व्हाट इज एन होमोग्राफ और आपको यहां पर ऑप्शन दे दिया बेटा ऑप्शन दे दिया चार एबीसीडी तो बताओ कौन सा आएगा एबीसीडी में से ओके okay. <coughs> पहला है पेंटिंग और अदर पीस ऑफ आर्टवर्क डी डिपिक्टिंग द सेम थिंग बट डन बाय डिफरेंट आर्टिस्ट अ ग्राफ शोइंग दैट द रिजल्ट्स ऑफ दिस क्वार्टर आर एग्जैक्टली सेम एज ऑफ लास्ट क्वार्टर वर्ड ऑफ द सेम रिटर्न फॉर्म एस अनदर बट ऑफ डिफरेंट मीनिंग अ वर्ड ऑफ द सेम मीनिंग बट ऑफ डिफरेंट रिटर्न फॉर्म बताओ क्या होगा यहां पर यह होमोग्राफ का डेफिनेशन पूछा है कि होमोग्राफ क्या होगा ओके okay. होमोग्राफ क्या होगा बस खत्म होने जा रहा है सारी का खत्म होने आ रहा है ये यह, यहां पर आप देखोगे यस ये सी होगा सी कैसे अ वर्ड ऑफ सेम रिटर्न फॉर्म एज अनदर बट ऑफ डिफरेंट मीनिंग एक शब्द जो सेम तरीके से लिखा जा रहा है बट उसकी मीनिंग अलग हुई तो ऐसा क्वेश्चन भी आपको आ सकता है ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि होमोग्राफ क्या होता है तो एक होमोग्राफ में एक ऐसा शब्द होता है जो लिखा एक ही तरीके से जाता है है उसकी मीनिंग अलग होती है। चलो अगला चूज द टू पेयर ऑफ वर्ड आर होमोफोन्स बताओ इसमें से होमोफोन्स कौन है होमोफोन्स <coughs> कौन है बेटा बताओ भाई मैं कोशिश कर रहा हूं कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा आपको लेक्चर दू पढ़ाऊं ध्यान से अच्छे से ओके एकदम ध्यान से तो आप भी कोशिश करो क्वेश्चन क्या है चूज द टू पेयर ऑफ वर्ड्स दैट आर होमोफोन बताओ होमोफोन क्या है उसका प्रोनाउंसिएशन सेम रहता है बट मीनिंग अलग रहती है तो बीड हिड नहीं बी ये बी और ये दोनों अलग प्रोनाउंसिएशन सेल सेल अरे हाँ दोनों सेल 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 प्रोनाउंसिएशन देखो स्पेलिंग अलग रहेगा चलेगा ये है, चले है. यहां पर बोला दो पेयर दो पेयर में क्या आएगा बाउ एरो चल तू निकल और और ये 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 नाइट नाइट हाँ ये। तो क्या आ गया बी डी होमोफोन से कैसे पता चला दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है दो दो बोला था टू पेर्स निकालने सेल सेल नाइट नाइट यस चलो नेक्स्ट इस तरह से क्वेश्चन आएंगे बेटा विच ऑफ विच टू ऑफ दिस सेंटेंस डू नॉट कंटेन होमोफोन अभी बताओ इसमें से कौन जो है जिसमें होमोफोन नहीं है देखो भाई क्वेश्चन घुमा के भी आ रहा है होमोफोन नहीं है वो बताओ किसमें होमोफोन नहीं है चेक करते होल शेड इन टू द होल ये तो होमोफोन हो गया होल मतलब पूरा होल मतलब छेद होल होल तो ये तो होमोफोन है ये बोलता है जिसमें होमोफोन नहीं है वो बताओ ये ए में तो होमोफोन है तू निकल भाई तेरे में होमोफोन है तेरी जरूरत नहीं है अंजलि आर एट आर 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 आउ अरे इसमें भी होमोफोन है आर 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 पवेल प्रैक्टिस प्रैक्टिस द हार्ड टू परफेक्ट ड्रॉइंग परफेक्ट सर्कल नहीं है इसमें कोई भी आई शेड मेनी टीयर्स वेन आई सो द टीयर्स अब ये टीयर्स टीयर्स है लेकिन क्या यह होमोफोन है नहीं ये तो होमोग्राफ है दोनों सेम है ओके आई शेड मेनी टीयर्स वेन आई सो द टीयर्स इन माई न्यू जैकेट यह आंसू और फटा हुआ जैकेट तो यह होमोग्राफ है हमको तो होमोफोन पूछा है तो होमोफोन किसमें है ए और बी में तो जिसमें होमोफोन नहीं है किसमें नहीं है सी में नहीं है और डी में नहीं है तुम बोलोगे है ना अरे ये होमोग्राफ है होमोफोन्स तो नहीं है ना ये बोला होमोफोन नहीं होना चाहिए तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे घुमा घुमा के कंफ्यूज कर देने वाले और इंग्लिश में आपका ज्यादा टाइम वेस्ट होगा याद रखना मैथ्स में फटफट -फट हो जाएगा हिस्ट्री ज्योग्राफी साइंस जल्दी से हो जाएगा क्वेश्चन पढ़ते इसमें पढ़ना पड़ता है सेंटेंस होते हैं पैराग्राफ आएंगे आप पढ़ोगे उसके बाद आंसर दोगे तो इसीलिए आपको अगर नॉलेज रहा सारी चीजों का तो आप फटाफट कर लोगे समझ में आ रहा है बस पांच मिनट और लेक्चर खत्म करेंगे चूज द करेक्ट होमोफोन्स बताओ बताओ कौन से करेक्ट होमोफोन यहां पर आएंगे आई मस्ट आई मस्ट क्या है देखो बेटा आई मस्ट डैश हिम एंड डैश हिम मुझे उसको क्या करना चाहिए हियर आई मस्ट हियर हिम ये हियर ये हियर हियर मतलब यहाँ होता है ये मतलब सुनना हियर मतलब सुनना तो आई मस्ट हियर सुनना वाला आएगा ना आई मस्ट हियर हिम मुझे उसे सुनना चाहिए ये हियर तो नहीं आएगा ये हियर ये हियर नहीं आएगा मतलब बी और डी गया बी और और ए अब सी डी में से आएगा एंड डैश हिम डैश मतलब क्या सी और सी एंड सी हिम समंदर हिम समंदर कहां से आ गया सी देखना है मुझे उसे देखना चाहिए तो कौन सा आ रहा है सी तो यहां पर आप देखोगे जो होमोफोन हियर हियर की स्पेलिंग अलग अलग थी सी सी की स्पेलिंग अलग थी तो जो परफेक्ट होमोफोन है वो चुन के निकालना था ऐसा ही प्रश्न आएगा बेटा ऐसा ही प्रश्न आएगा भाई तू छ जाना जो डी बोल रहे क्यू डी बोल रहे इधर समुंदर थोड़ी आएगा and see him see मतलब देखना हमें उसे सुनना चाहिए और देखना चाहिए समझ में आ रहा है यस वेरी नाइस आगे चलो ऐसे प्रश्न आएंगे भाई घूम मत जाना घूम मत जाना दादा <coughs> फिर से सेम सेम बताओ बताओ क्या आएगा जाओ मत कोई निकल के कोई जाएगा नहीं चूज द करेक्ट होमोफोन टू फिल इन द ब्लैंक ही वाज केप्ट इन कस्टडी फॉर द उसे कस्टडी में रखा गया था कैद में रखा गया था फॉर द होल छेद होल पूरा हाँ पूरा हो सकता है फॉर द होल पूरे पूरे वीक वीक ये वीक मतलब कमजोर होता है ये वीक मतलब कमजोर होता है ये वीक मतलब हफ्ता होता है तो वीक अब देखो ये कहां पर है ही वॉज केप्ट इन द कस्टडी फॉर द होल वीक अब होल वीक कहां पर है देखो होल यानी डब्ल्यू एच ओ एलई ये और वीक मतलब डब्ल्यू ई डब्ल्यू के किधर है बताओ ए बी सी डी में से कौन सा है आंसर तो यस वेरी नाइस चार्ट में क्या जबरदस्त आंसर दे रहे हैं आप लोग शाबाश लेक्चर खत्म हो रहा है बस दो तीन मिनट और दो तीन मिनट ओ लाला अरे जाने मन ध्यान से देख बेटा तू टेंशन मत ले एकदम आसान है बेटा कुछ नहीं है ये सब वर्ड सुन के तुम लोग जब सिलेबस आया था तो देख के सुना होमोग्राफ बाप रे क्या है यह सब अभी तुमको लग रहा होगा अरे ये तो नल्ला है दिनेश सर थैंक यू आपने बता दिया ये क्वेश्चन तो मैं कर लूंगा कुछ मत टेंशन मत ले दस दिन में मतलब इंग्लिश कैसा कर तैयार करता हूं मैं तू मास्टर माइंड हो जाएगा फिर से होमोफोन हिज होमोफोन बोलाड बिकॉज ऑफ द एक्यूजेशन चलो उसका बर्बाद हो गया उसका जो है बर्बाद हो गया क्या बर्बाद हो गया कैरियर करियर करियर अब करेक्ट स्वेलिंग कौन सा होगा ऑल ऑफ द बॉ तो होगा नहीं क्योंकि सब तो अलग है तो ये होगा करियर हिज करियर ऐसे उसका करियर बर्बाद हो गया समझ तो उसमें जब आरोप लगे तो उसका करियर बर्बाद हो गया सब लोग भी बोल रहे हैं शाबाश बेटा शाबाश ओ मेरे बच्चों अरे छा गए क्या बात है एक मिनट किधर गया भाई हम्म एक मिनट बेटा चलो चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने करेक्ट होमोफोन बता मेरे लाला द द करेक्ट टू फिल इन ब्लैंक. नो कौन सा नो आएगा वो बताओ देयर इज नो हार्म इन ट्राइंग सब नो है नो 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 कौन सा आएगा देयर देयर मतलब देयर इज देयर इज नो हार्म कौन सा नो आएगा बता चार्ट में में बता पिछले वाले क्वेश्चन में क्या बेटा देर इज नो सीधा सा कोई हार्म नहीं है नहीं किसका मीनिंग होता है इसका मतलब नहीं होता है कि इसका मतलब नहीं होता है नहीं किसका मीनिंग होता है बेटा अभी भी नहीं बता रहा वेरी गुड वेरी गुड ए बोल रहा है कोई बी भी बोल रहा है बी क्यों बोल रहा है अनिल सर चैट मोनिटाइज करो देखो यहां पर देयर इज डैश हार्म इन ट्राइंग इट तो नो हार्म आएगा ना इसको इसको ट्राई करने में कोई नुकसान नहीं है तो नहीं किसका मतलब होता है नो का मतलब होता है सीधा सीधा यार तुम लोग कितना सोचते हैं किधर गया भाई ये सब स्लाइड हमारी किधर चली गई एक मिनट तो इसमें नहीं लगता। है लगता नेक्स्ट पांच मिनट चलो 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 ओमो अब यहां पर आपके लिए बहुत सारे हमने क्वेश्चन निकाले हुए हैं ओके okay, बहुत सारे ये होमवर्क में दूंगा आपको मैं ये बहुत सारे हैं जैसे कि थोड़ा सा कर लेते हैं एवरी वन बी रेडी दो मिनट और खत्म कर रहे हैं बेटा देखो जितना ज्यादा प्रैक्टिस होगी ना आप मेरे साथ अगर प्रैक्टिस कर रहे हो तो समझ जाओ ना कि आप खुद ही प्रैक्टिस कर रहे हो आपको अलग से ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं होगी अगर आप ये देख लोगे तो चलो एक ऐसा है यहां पर ध्यान से देखना क्वेश्चन पढ़ो यहां पर पहला बेटा देखो द कप इज टू हॉट कब बड़ा गर्म है टू होल्ड आएगा कि होल्ड आएगा क्या आएगा तो होल्ड आएगा समझ में आ रहा है ऐसा भी आपको आ सकता है इस तरह से ये दिया रहेगा नीचे चार ऑप्शन या मैंने दो ही ऑप्शन दिया है वी नीड टू हायर या हायर सम वन न्यू इन आवर कंपनी हमारे कंपनी में किसी को हायर करने की जरूरत है तो हायर यानी किसी को रखना काम पर रखना ये द बाथरूम इज अप स्टेयर्स है कि स्टेयर्स है यानी कि जो बाथरूम है सीढ़ियों के ऊपर है तो सीढ़ी किसका होता है ये स्टेयर्स होता है माय सन मेड मेड अ केक फॉर मी मेरे बेटे ने एक केक मेरे लिए बनाया तो बनाया का मतलब होता है मेड अब मेड में ये मेड रहेगा कि ये मेड ये मेड मतलब नौकरानी होती है ये मेड होगा तो इस तरह से आपको पहचानना है बेटा स्पेलिंग मालूम होनी चाहिए तो यहां पर खत्म हुआ ओके यस वेरी नाइस बहुत अच्छा बता रहे हो बेटा यहाँ पर आज का टॉपिक खत्म हुआ हमने क्या क्या लिया जीरंड पार्टिसिपल इन्फिनेटिव और पंक्चुएशंस होमोफोन एंड होमोग्राफ फाइनली होमोफोन एंड होमोग्राफ क्या था होमोफोन मतलब कि जो वर्ड दो अलग अलग रहेंगे सुनने में एक जैसे लगेंगे बट मीनिंग अलग रहेगी समझ में आ रहा है होमोग्राफ मतलब कि जो वर्ड है दो वर्ड है दोनों एकदम सेम है जुड़वा है ओके डिक सेम है लेकिन दोनों की मीनिंग अलग है ये होमोग्राफ है तो भूलना मत सारे देखो हर एक टॉपिक पे एक, एक, आएगा। एक होमोग्राफ पे आएगा जितने टॉपिक्स बता रहा हूँ मैक्सिमम सभी पे एक क्वेश्चन आएगा सो आर यू रेडी आर यू रेडी आगे का भी आंसर बता रहे हो जैसे कि इट इज नॉट गुड टू वेस्ट फूड तो वेस्ट दोनों वेस्ट है तो ये वेस्ट नुकसान करना ठीक है अब हम लोग क्या करेंगे देखो बेटा सीटी के फॉर्म को एडिट करने का ऑप्शन आ गया कल वीडियो मैंने दिया है अगर आपके फॉर्म में कुछ गलती है तो दिनेश सर चैनल पर जो वीडियो है हमारा कल डाला वो देख लो कैसे उसको सुधार सकते हैं क्योंकि तो आपसे कुछ अगर मिस्टेक हुई थी सी का फॉर्म भरने में तो और कल तक आप रात तक कर सकते हो हमारा ये जो लेक्चर है रोज सुबह साढ़े नौ बजे होने वाला है अभी दो दिन इंग्लिश का टाइम टेबल हमने भेजा हुआ है आपको टेलीग्राम ग्रुप जो है चैट में लिंक किया हुआ है उसको जरूर ज्वाइन कर लें चैट में जो लिंक किया हुआ है उस टेलीग्राम ग्रुप में हम सब पी डी नोट दे रहे हैं ऐसा तो टारगेट और नवनीत की बुक में भी नहीं है बड़ी मेहनत कर रहे हैं अमित सर और मैं मिल आपके लिए कंटेंट निकाल रहे हैं पूरे गूगल विकीपीडिया सब जगह से ढूंढ ढूंढ के एकदम इंटरनेशनल लेवल के एग्जाम्पल जो है वहां से उठा रहे हैं ऑनलाइन समझ रहे हो ये सब बुक्स में नहीं मिलेगा हाँ कल कुछ बुक्स के लिए थे आज हमने टारगेट के, के कुछ जो स्क्रीनशॉट लिए थे वो कुछ बुक्स के थे बट मैक्सिमम हमने आपके लिए बहुत मेहनत करके पीपीटीज और पीडीएफ बनाई है और ये जो है मैं आपको दे रहा हूँ अब भी टेलीग्राम ग्रुप में आएगा तो आप टेलीग्राम ग्रुप में नहीं हो तो ज्वाइन कर लो ओके okay. <coughs> और सक्सेस बैच है हमारे आ, बैच का नाम मैं शाम को छह बजे नून ऐप पर पढ़ाता हूँ मैथ ट्रीगो पढ़ा रहा हूँ कल बहुत जबरदस्त जब जब तरीके से पढ़ाया था आज संडे आज नहीं होगा कल मंडे है ट्रीगो का लेक्चर जरूर बैठे शाम को अभी ग्यारह बजे मेंटी क्विज होगा अपने चैनल दिनेश सर स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर मेंटी क्विज होता है रोज ग्यारह बजे होता है रोज एकदम फिक्स टाइम आज पॉलिटिकल साइंस का है ठीक है दो चैप्टर है वन टू भाई इतना सिस्टमेटिक और कंसिस्टेंट तरीके से आपको कहीं नहीं मिलेगा और वो भी टोटली totally फ्री में और लगातार फिक्स टाइमिंग पे हो रहा है ये जो बजे का चालू हुआ है ना तीन दिन हो गए ना पहले दिन अलजेबरा किया था हमने वो ट्रेंडिंग पे गया हैशटेक फोर्टी टू कॉल इंग्लिश किया वो हैशटेक ट्वेंटी नाइन पे ट्रेंड हो रहा है यूट्यूब इंडिया में महाराष्ट्र का रेयरली कोई ऐसा टीचर होगा जिसके वीडियो ट्रेंडिंग में जा रहे हैं और इतना ही नहीं लेक्चर के वीडियो भी पढ़ाने वाले वीडियो भी ट्रेंडिंग में ये यार आप लोगों ने कर दिया लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद रही बात कुछ चीजें कभी-कभी बोरिंग लगती है कि ये सब क्या है इंटरेस्टिंग नहीं लगता है लेकिन हमें सीखना पड़ता है पर एक बार सीख लोगे तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया तो भाई आप कोई भी क्वेश्चन है तो कर लोगे आपको इलेवेंथ ट्वेल्थ में भी इंग्लिश है अगर ये चीजें आप अभी सीख लेते हो

एक बहुत बड़ी बात होती है किसी चैनल पर ढाई लाख स्टूडेंट होना और ये सब आप लोगों की वजह से पॉसिबल हो पाया है तो इस चैनल को और एक बड़े लेवल पर लेके जाना महाराष्ट्र में तो आप इसमें सपोर्ट करो अपने दोस्तों तक इन वीडियो की लिंक जरूर पहुंचाओ बहुत मेहनत करें आपके सामने में साढ़े नौ से दस चालीस हो गया एक घंटा दस मिनट ये पढ़ा रहा हूँ लेकिन सिर्फ एक घंटा दस मिनट ही नहीं इसको लगभग दो से तीन घंटे लगे हमको कंटेंट असेंबल करने के लिए क्योंकि जो सिलेबस आया है उसके लिए कोई प्रॉपर बुक नहीं है

टोटल आके गए हैं यहाँ मुझे दिखाई देता है सब कितने बच्चे आ गए कितने देख रहे तो अपने को जो टॉप व्यू है वो पांच हजार का रिकॉर्ड कायम करना है महाराष्ट्र के अंदर आप सपोर्ट करो अपने दोस्तों तक जरूर बचाओ सर अभी सर कल कौन सा लेक्चर है अल्जेब्रा। कल अलजेब्रा का जो सेकंड चैप्टर है उसका लेक्चर है हमने टाइम टेबल आपको दिया हुआ है सक्सेस बेस्ट टेलीग्राम ग्रुप में उस टाइम टेबल से ही चलने वाले हैं बीस दिन के अंदर पूरा सिलेबस खत्म होगा अगस्त का पहला महीना है आज फ्रेंडशिप डे है इस फ्रेंडशिप डे पे अपने फ्रेंड्स को एक अच्छा गिफ्ट दे दो यार दिनेश सर का चैनल उसको बता दो ये मत सोचो कि यार उसको बता दूंगा मुझसे ज्यादा मार्क लाएगा आने दो तो ना यार आपका ही तो दोस्त है मेहनत आप करोगे तो आप ही ज्यादा लाओगे वो खुश होगा आपको हमेशा दुआएं देगा कि थैंक यू यार तूने मुझे दिनेश सर का चैनल बताया और ये फ्री है ना आप बताओगे तो आपको खुश ही रहेगा वो ठीक है अपने फ्रेंडशिप डे आज के फ्रेंडशिप डे पर अपने फ्रेंड्स को जरूर कम से कम दस फ्रेंड को ये गिफ्ट दो बोलो आज तुझे मैं एक गिफ्ट देता हूँ दिनेश सर का चैनल है तू देख और रोज साढ़े नौ बजे यहाँ पे शाम को छह बजे नून ऐप पर वो भी टोटली फ्री है और ग्यारह बजे सुबह मेंटी ये मेरा वादा आपके साथ और एम सी एग्जाम में आपका बहुत अच्छा मार्क्स आएगा इतना ही नहीं इलेवेंथ ट्वेल्थ दो साल आपको छोड़ूंगा नहीं दो साल आपको एकदम फ्री में अच्छा कंटेंट पूरा दूंगा जबरदस्त दूंगा रोज पढ़ाऊंगा ओके तुम्हारे साथ बना रहूंगा बाय एवरीवन टेक केयर